Hello, Namaste, good morning. I welcome you all on DGC classes. Today we will discuss about territorial behavior. In this video, we will discuss about these points. There are some important terms. First is territory, an area occupied and defended by an organism. Territory is a selectively defended area. प्रत्येक एनिमल चाहे वो एयर में रहता हो, लैंड में रहता हो या वाटर में रहता हो, वो अपना एक एरिया डिफेंड करता है जिसमें वह अपने मेटिंग पार्टनर और अपने ऑफस्प्रिंग के साथ रहता है, जिसे टेरिटरी कहते हैं। सेकंड इज होम रेंज। इट इज़ अ लार्ज एरिया इन विच एनिमल्स मूव थ्रू आउट देयर एडल्ट लाइफ। टेरिटरी के अंदर होम रेंज आता है। होम रेंज एक लार्ज एरिया होता है जिसमें एनिमल अपने एडल्ट लाइफ में मूव करता है। थर्ड इज कोर एरिया। विद इन अ टेरिटरी देयर आर मच स्मॉलर एरिया कॉल्ड कोर एरिया। टेरिटरी के अंदर एक छोटा सा एरिया होता है जिसे कोर एरिया कहते हैं, जिसमें एनिमल अपना डेली एक्टिविटी परफॉर्म करता है। फोर्थ इज इंडिविजुअल डिस्टेंस। एनिमल्स मेंटेन अ पर्सनल स्पेस दैट इज एन एरिया जनरली कैरिड अराउंड ईच एनिमल। तो इन्वायरमेंट में दो तरह के एनिमल होते हैं, एक तो वैसे एनिमल जो कांटेक्ट में रहते हैं, एग्रीगेट होकर रहना पसंद करते हैं, और दूसरे ऐसे एनिमल जो एक पर्सनल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, जिसका एग्जांपल है बर्ड। यहाँ पर बर्ड्स में इंडिविजुअल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें दो बर्ड्स के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है जिसे इंडिविजुअल डिस्टेंस कहते हैं। और टेरिटरी, होम रेंज और कोर एरिया को सर्कल के द्वारा डिनोट किया गया है, जिसमें टेरिटरी जो होता है बहुत लार्ज एरिया होता है, जिसे ग्रीन सर्कल के द्वारा डिनोट किया गया है। और होम रेंज जो है वो टेरिटरी के अंदर आता है और टेरिटरी के कंपेयर में थोड़ा स्मॉल होता है, जिसे होम रेंज कहते हैं। टेरिटरी का सबसे स्मॉलर एरिया कोर एरिया कहलाता है, जिसे येलो सर्कल के फॉर्म में डिनोट किया गया है। टेरिटोरियलिटी या टेरिटोरियल बिहेवियर। इट इज़ द सोशल बिहेवियर दैट पार्टीशन रिसोर्सेज। यह एक सोशल बिहेवियर है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म अपने रिसोर्सेज का पार्टीशन करते हैं। यह एक मेथड है जिसके द्वारा एनिमल या ग्रुप ऑफ एनिमल अपनी टेरिटरी को डिफेंड करता है अपने ही जैसे को स्पीसीज से या दूसरे स्पीसीज से। टेरिटरी बाउंड्री मार्क करने के लिए एनिमल्स साउंड, फेरोमोन्स, इलेक्ट्रिक करंट या विजुअल मार्किंग का यूज़ करते हैं। एग्जांपल है बर्ड साउंड का यूज़ करती है अपने टेरिटरी मार्क करने के लिए, और बहुत से मैमल्स जो है वो फेरोमोन्स का यूज़ करते हैं अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए। इट इज़ अ अडेप्टिव इन मैनी वेज। इट मे परमिट एन एनिमल टू मेट विदाउट इंटरप्शन और टू रेज इट्स यंग इन एन एरिया वेयर देयर विल बी ग्रेटर कॉम्पिटिशन फॉर फूड। एनिमल टेरिटरी डिफेंड करता है जिसमें वह अपने पार्टनर के साथ बिना इंटरप्शन के मेटिंग परफॉर्म करता है और अपने यंग वंस को बढ़ाता है, जहाँ पर फूड के लिए कंपटीशन कम होता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ टेरिटरीज। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टेरिटरी। फर्स्ट इज मेटिंग टेरिटरी। टेरिटरी दैट डिफेंडेड फॉर मेटिंग पर्पस इज नोन एज मेटिंग टेरिटरी। टेरिटरी जो मेटिंग पर्पस के लिए डिफेंड किया जाता है उसे मेटिंग टेरिटरी कहते हैं। सेकंड इज ब्रीडिंग टेरिटरी। द ब्रीडिंग टेरिटरी इज रिलेटिवली स्मॉल एरिया। इट इज़ यूज्ड फॉर नेस्टिंग और मेटिंग पर्पस। तो ब्रीडिंग टेरिटरी जो होता है वो स्मॉल एरिया होता है जिसका यूज़ नेस्टिंग और मेटिंग के लिए किया जाता है। फीडिंग टेरिटरी। फीडिंग टेरिटरी इज लार्जर दैन द ब्रीडिंग टेरिटरी because it must contain sufficient food to support the owner of the territory and any mate or offspring that may also be residing there. तो feeding territory breeding territory के compare में बहुत large होता है, क्योंकि यहाँ ताकि वो owner
उसके साथ रहने वाले उसके मेटिंग पार्टनर और ऑस्प्रिंग्स को सपोर्ट कर सके। मल्टीपर्पस टेरिटरी, दिस टाइप ऑफ टेरिटरी इज जनरली द लार्जेस्ट एज इट इंक्लूड्स एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ ब्रीडिंग एंड फीडिंग टेरिटरीज। मल्टीपर्पस टेरिटरी जो रहता है बहुत लार्जेस्ट टेरिटरी होता है, जिसे ब्रीडिंग और फीडिंग पर्पस से, दोनों ही पर्पस से डिफेंड किया जाता है। साइज एंड बाउंड्रीज ऑफ टेरिटरी, द साइज ऑफ टेरिटरी वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। इट डिपेंड्स ऑन द बॉडी साइज, ग्रुप साइज एंड फूड रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पीसीज। तो टेरिटरी साइज जो है वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। यह स्पीसीज के बॉडी साइज, ग्रुप साइज और उनके फूड रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। जिन स्पीसीज का बॉडी साइज बड़ा होता, लार्ज होता है और फूड रिक्वायरमेंट अधिक होता है, वह लार्ज टेरिटरी डिफेंड करता है। और जिस स्पीसीज का बॉडी साइज और फूड रिक्वायरमेंट कम होता है, वह स्मॉल टेरिटरी डिफेंड करता है। लार्जर स्पीसीज हैव लार्जर टेरिटरीज, एग्जांपल है वाइल्ड बीस्ट। प्रीडेटर्स हैव लार्जर टेरिटरीज दैन प्लांट ईटर, प्रीडेटर का जो टेरिटरी है वो लार्जर होता है एज कम्पेयर टू प्लांट ईटर। द लार्जेस्ट टेरिटरी अमंग हर्बीपोरस आर नोन इन जेब्रा एंड वाइल्ड एसेस एंड अमंग प्रीडेटर्स इन लायन। हर्बीपोरस में लार्ज टेरिटरी जेब्रा और वाइल्ड एसेस का होता है, जबकि प्रीडेटर्स में लायन, टाइगर, इनका टेरिटरी जो है वो लार्ज होता है। मार्किंग ऑफ टेरिटरी, अब ऑर्गेनिज्म जो है वो टेरिटरी डिफेंड तो कर लिया है, पर दूसरा स्पीसीज जो है वो कैसे पहचानेगा कि एक यह जो एरिया है वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज का है। तो इसके लिए जो स्पीसीज है वो अपने एरिया को मार्क करते हैं ताकि वह दूसरे के द्वारा पहचाना जा सके। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड है जिसके द्वारा स्पीसीज जो है अपने टेरिटरी को मार्क करता है। फर्स्ट है विजुअल मार्किंग ऑफ टेरिटरी। अ टेरिटरी कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर्स बाय द डिस्प्ले ऑफ द ओनर्स। ओनर के डिस्प्ले के द्वारा दूसरे के द्वारा टेरिटरी को पहचाना जाता है कि वह एक पर्टिकुलर स्पीसीज का टेरिटरी है। इसके लिए एनिमल अपने ब्यूटीफुल कलर्ड फेदर, क्वींस, स्केल और दूसरे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल है रेड बेली ऑफ स्टिकलबैक फिश। सेकेंड है एकॉस्टिक मार्किंग। एनिमल जो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं वह अपने वोकलाइजेशन का यूज़ करते हैं अपने टेरिटरी को मार्क करने के लिए। इसका एग्जांपल है फ्रॉग, लिजार्ड, बर्ड्स। थर्ड है ऑल्फैक्टरी मार्किंग। एनिमल जिनमें वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल होता है, वे अपने टेरिटरी को मार्क करने के लिए फेरोमोन्स का यूज़ करते हैं, जैसे यूरिन, सलाइवा और कुछ एनिमल्स में सेंट ग्लैंड पाया जाता है जो कि आइज के पास, डिजिट्स के बीच में, चिन के नीचे और नेक पर पाया जाता है, जिसका यूज़ पर टेरिटरी मार्किंग के लिए करते हैं। इसका एग्जांपल है कैट्स, टाइगर एंड लायन। फोर्थ है इलेक्ट्रिक मार्किंग। अफ्रीकन टैपर फिश जो है वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का यूज़ करती है अपने टेरिटरी मार्क करने के लिए। नेक्स्ट है ये कुछ पिक्चर्स है जो टेरिटरी मार्किंग को शो कर रहा है, जैसे कि लायन जो है वो अपने यूरिन का यूज़ करता है टेरिटरी मार्किंग के लिए, जो यहाँ पर शो किया गया है। बर्ड जो है वो अपने वोकलाइजेशन का यूज़ करती है टेरिटरी मार्किंग के लिए, और यहाँ म्यूचुअल फाइट दिखा रहा है। कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, अब टेरिटरी मार्क कर लिए और टेरिटरी डिफेंड कर लिए, अब उसके लिए उसे डिफेंड करने के लिए क्या कॉस्ट हमें पे करना पड़ता है और हमें उससे क्या बेनिफिट मिलता है, इसको समझने के लिए एक ग्राफ है जिसके द्वारा हम कॉस्ट और बेनिफिट को समझते हैं। तो इस ग्राफ के वाई एक्सिस में जो है वो कॉस्ट और बेनिफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्स एक्सिस में टेरिटरी साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो जैसे जैसे टेरिटरी साइज बढ़ते जाती है, वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ डिफेंस भी बढ़ते जाता है। और जैसे जैसे टेरिटरी साइज बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बेनिफिट जो है वो बढ़ रहा है। पर एक पॉइंट में जब टेरिटरी का साइज बढ़ रहा है तो बेनिफिट जो है वो हमको कम हो रहा है। ये लाइन जो है वो ऑप्टिमम टेरिटरी साइज को डिनोट कर रही है, जहाँ पर हमें कॉस्ट कम पे करना पड़ता और हमें बेनिफिट जो है वो ज़्यादा मिलता है। कॉस्ट और बेनिफिट के जो कॉन्सेप्ट है उसे हम एक एनालॉजी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम एक लार्ज हमारा एक हम एक लार्ज टेरिटरी डिफेंड करते हैं, तो हमें उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। हमें उसका चारों तरफ घूमकर उसका प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, ताकि जो दूसरा स्पीसीज है वहाँ मत आ ना जाए और हमारे जो रिसोर्सेज है उसका यूज़ ना कर पाए। तो इसके लिए हमें ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है। तो हमें क्या करता है, कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ता है, मतलब ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ता है उस टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए। पर उसके कंपैरिजन में हमें बेनिफिट कम मिलता है, क्योंकि हम अपना जितना भी एनर्जी गेन करते हैं उसका आधा से ज़्यादा पोर्शन जो है वो अपने टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए हम लगा देते हैं। तो इस प्रकार टेरिटरी का साइज़ अगर लार्ज होता है तो हमें कॉस्ट अधिक पे करना पड़ता है और बेनिफिट हमको कम मिलता है। इसी प्रकार अगर हम लार्ज अगर हम स्मॉल टेरिटरी डिफेंड करते हैं तो हमें बेनिफिट भी कम मिलता है और हमें कॉस्ट भी कम पे करना पड़ता है। पर एक ऑप्टिमम साइज़ होता है, एक मीडियम साइज़ का टेरिटरी हम अगर डिफेंड करते हैं तो हमें उसे डिफेंड करने में कम कॉस्ट पे करना पड़ेगा और हमें बेनिफिट जो है वो अधिक मिलेगा। इस प्रकार हम कॉस्ट और बेनिफिट को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस और फंक्शंस ऑफ टेरिटोरियलिटी। तो अब देख लें कि टेरिटोरीज क्या होता है, उसे कैसे डिफेंड करते हैं। अब देखते हैं कि उसका एडवांटेज क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या क्या है ये हम देखते हैं। फर्स्ट है, जब हम एक टेरिटरी डिफेंड करते हैं तो लोकल पॉपुलेशन क्या ऑर्गेनाइजेशन होता है एक बेल शेप्ड एग्रीगेशन में। सेकंड है, हम एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं तो वहाँ पर पेरेंटल केयर का प्रमोशन होता है। थर्ड है, टेरिटरी हमें या ओनर को एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड सप्लाई देता है। फोर्थ है, रिडक्शन इन द रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पैरासाइट। तो हम अपने टेरिटरी में रहते हैं तो दूसरे से हमारा कॉन्टैक्ट कम होता है, हम कॉन्टैक्ट में नहीं रहते हैं हम अपने लिमिटेड एरिया में रहते हैं तो हमें कॉन्टैक्टिंग पैरासाइट्स जो रहते हैं, जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं, उसका रिडक्शन होता है। और हम अपना टेरिटरी डिफेंड करते हैं तो हम अपने टेरिटरी से रूबरू होते हैं कि हमें कहाँ पर छुपना चाहिए, कहाँ हम छुप सकते हैं। तो इससे क्या होता है, प्रीडेटर से हम बच जाते हैं। लिविंग टुगेदर शेयरिंग द रिसोर्सेज प्रोवाइड्स सोशल स्टेबिलिटी। अब हम एक साथ रहते हैं, एक ही रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, तो इस प्रकार सोशल स्टेबिलिटी बनी रहती है। Thank you. If you like this video, then please do like, share.